हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप बिगिनर रेसिपी में जोईशू दूधी और चना की दाल शाक घरे के बनाव। आ डिश ने तब एज ए सब्जी अथवा तो एज ए दाल तरीके सर्व कर सको। आ बहु हेल्धी रेसिपी है और टेस्ट में खूब सरस लगे। तो चलो फटाफट शुरुआत कर दिए आने बनावा। इन्ग्रीडियंट्स की डिटेल अँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड करी है। आ रेड बटन पर क्लिक करो और मारी चैनल हितस किचन एंड लाइफस्टाइल ने सब्सक्राइब करो यूट्यूब पर। एनी बाजू में रहेला आ बेल आइकॉन पर क्लिक कर दो, जेनाथी तमने मारी चैनल पर अपलोड थता नवा वीडियो ना नोटिफिकेशन मळता रहे। अहीं एक बोल में 1/4 कप चना की दाल ले लीधी है। तेने हवे पानी थी 2-3 वक्त वॉश कर लईशुं। तो अहीं चना की दाल ने पानी थी मैं 2-3 वक्त वॉश करीने तैयार कर दीधी छे। हवे तेमा 1.5 कप जेटलू पानी एड करीशुं अने आ दाल ने ढांकीने आपणे 3 कलाक माटे पलाळी दईशुं। 3 कलाक पछी तमे जोई सको छो अहीं दाल सरस रीते पलळी गई छे। हवे तेमांथी आपणे बधुं ज पानी काढी लईशुं अने दाळने आपणे साइड पर मूकी दईशुं। अहीं मैं गैस उपर 1 कूकर में 2 टेबलस्पून तेल ने गरम करवा माटे मूक्यु छे मीडियम फ्लेम उपर। तेल थोड़ू गरम थाय पछी तेमां आपणे 1/2 टीस्पून जीरु एड करी दईशुं। जीरु थोड़ू ततड़े पछी तेमां आपणे चपटी हींग एड करी दईशुं। त्यारबाद तेमां एक नानू झीणू समारेलू टामेटू एड करी दईशुं। तेने एक वक्त चमचा की मदद थी मिक्स कर लईशू। तेने आपणे 30 सेकंड जेवु सॉटे करीशू मीडियम फ्लेम उपर, एटले टामेटा थोड़ा सॉफ्ट थई जाए। 30 सेकंड पछी आपणे तेने एक वक्त मिक्स कर दईशू। हवे तेमा 1 कप दूधीना कट करेला टुकड़ा एड करीशू। अहीं दूधीने मैं पानी थी 2-3 वक्त वॉश करी पील करी एना टुकड़ा करी अने पछी यूज करी छे। तेनी साथे तेमा पलाड़ेली चना की दाळ एड करीशुं। दाळमांथी आपणे पानी बधुं काढी नाखवानुं छे, पछी तेने एड करवानी छे। हवे चमचाथी एक वखत मिक्स करी दईशुं अने बाकीना मसाला एड करीशुं। गैसनी फ्लेमने स्लो करी दईशुं अने तेमा 1/4 टीस्पून हळदर एड करीशुं। 1 टीस्पून धाणा जीरु पाउडर एड करीशुं। 1 टीस्पून लाल मरचू पाउडर एड करीशुं। मरचानुं प्रमाण तमारा टेस्ट प्रमाणे तमे वधु ओछू करी शको छो। मीठू स्वाद प्रमाणे एड करीशुं। 1/2 टीस्पून गरम मसालो एड करीशुं। 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर एड करी दईशुं। खटासने बेलेंस करवा माटे तेमां 1 टेबलस्पून खांड एड करी दईशुं। आ बधी वस्तुओने एक वक्त सरस रीते मिक्स करी दईशुं। सरस रीते मिक्स कर्या बाद तेमां आपणे 1.5 कप पानी एड करीशुं। आ सब्जी रसावाळी वधारे सरस लागे छे एटले अहींया हूँ 1.5 कप पानी एड करूँ छूँ, पण जो तमारे थोड़ी थीक ग्रेवी जोईती होय तो तमे 1 कप पानी पण एड करी शको छो। हवे तेने एक वक्त मिक्स करी दईशुं। कूकरनुं ढाकणું હવે બંધ કરી દઈશું। તેને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 5 સિટી આવે ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરીશું। તો અહીંયા કૂકરમાં 5 સિટી વાગી ગઈ છે। આ સ્ટેજ ઉપર ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું અને કૂકર ઠંડુ પડે તેની રાહ જોઈશું। कूकरमांथी बधुं प्रेशर निकली जाए पछी ज आपणे ढाकणું ओपन करीशुं। आ रीते विसलने एक वक्त ऊंची करीने चेक करी लेशुं तेमांथी बधुं प्रेशर निकली गयुं छे के नहीं, पछी ज ढाकणું आ रीतना ओपन करीशुं। तमे जोई शको छो आपणुं बहु सरस दूधी अने चनानी दाळनुं शाक बनीने तैयार छे। हवे एक वक्त चेक करी लेशुं चनानी दाळ बराबर कूक थई छे के नहीं। तेना माटे आ रीतना अंगूठा अने आंगळीनी मददथी आपणे एक चनानी दाळनो टुकड़ो लई अने आ रीतना एने दबावी जोईशुं। तमे जोई शको छो अहीं चनानी दाळ सरस रीते कूक थई गई छे। जो चनानी दाळ बराबर कूक ना थई होय तो तमे बीजी अहीं 1-2 विसल वगाड़ी तेने कूक करी शको छो मीडियम फ्लेम उपर।
आ शाक में जे रसानुं प्रमाण छे ए थोड़ी वार में ठरवा माडशे, पण जो तमने एवुं लागतुं होय के आमां रसानुं प्रमाण थोड़ुं वधारे छे तो तमे मीडियम फ्लेम उपर एने 5 मिनिट माटे मूकी अने कूक करी शको छो ढाकणुं ढांक्या वगर। तो फ्रेंड्स, आ सब्जीने अहींया हूँ सर्विंग प्लेट में लई लउं छुं हवे। तो फ्रेंड्स, आपणू हेल्दी अने ईजी दूधी अने चनानी दाळनू शाक बनीने तैयार छे। आ सब्जीने तमे रोटी, पराठा, नान, पूरी, राइस साथे सर्व करी शको छो। फ्रेंड्स, आ ईजी सब्जीनी रेसिपी तमे जरूरथी ट्राय करजो अने मने कमेंट बॉक्समां जणावजो तमने आ रेसिपी केवी लागी। तमने जो मारो आ वीडियो पसंद आव्यो होय तो एने लाइक अने शेर जरूरथी करजो। मारी चेनलने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। फरीथी मळीशुं एक नवी रेसिपी साथे।